ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग तरह की सियासत देखने को मिल रही है। राज्य की कमलनाथ सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने केपी यादव के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यहां तक कह दिया कि वो सिंधिया के चमचे हैं और पूरा जीवन उनकी चमचागिरी करेंगे, भले ही राजनीति छोड़नी पड़ जाए। बात घर में कि अगर मैं महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का चमचा हूं, इसमें क्या दिक्कत है? कल तक क्या केपी यादव चमचा नहीं थे क्या? महाराज की गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ते थे क्या? इसमें कौन सी बात है? मुझे महाराज ने टिकट दिया, मेरा जीवन में संवारा, मुझे मंत्री पद कैबिनेट का बनाया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े कद के व्यक्ति का मैं चमचा अगर हूँ। मैं तो चाहूंगा कि आप मुझे कढ़ाई भी दे दो, तो चमचा कढ़ाई इकट्ठी कर दो पूरी, तो हूँ तो हूँ, इसमें क्या बात? और जीवन पर्यंत रहूंगा, अंतिम सांस तक रहूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा मगर महाराज सिंधिया को नहीं छोड़ूंगा। दरअसल पिछले दिनों अशोकनगर में आयोजित एक रैली में बीजेपी सांसद केपी यादव ने सिंधिया का नाम लेते हुए कहा था कि वो अपने चमचों को समझाएं। मैं पूर्व सांसद जी को आगाह करना चाहता हूं कि अपने इन चमचों को समझाएं। मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरे परिवार ने मुझे संस्कार ऐसे दिए हैं कि आज 2 साल होने आ गए पर मैंने आपके बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की। कई बातें मैं भी जानता हूं पर मैंने एक बात नहीं कही, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, इस क्षेत्र के संस्कार ऐसे नहीं है। बताया जा रहा है कि केपी यादव के इस बयान के बाद सिंधिया ने उनके घर जाने के प्लान को बदल दिया है। दरअसल केपी यादव के पिता का निधन पिछले दिनों हो गया था, जिसके बाद सिंधिया श्रद्धांजलि देने के लिए केपी यादव के घर जाने वाले थे, लेकिन अब वो केपी यादव के घर नहीं जाएंगे। अशोकनगर से राहुल कुमार जैन की रिपोर्ट।